नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट ड्रीम इलेवन में। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलंका वुमेन और इंडिया वुमेन के बीच खेले जाने वाले दोस्तों फर्स्ट ओडीआई मैच का। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को भी दोस्तों प्रेस कर दे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों टीमों का प्रोबेबल प्लेइंग 11, साथ साथ एक कुछ की प्लेयर के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, और लास्ट में दोस्तों हम लोग ड्रीम इलेवन टीम के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों हमारे लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं इन दोनों टीमों का प्रोबेबल प्लेइंग 11। दोस्तों इंडिया टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते दिख जाएंगे पूनम रावत, उनके साथ स्मृति मंधाना, फर्स्ट रन आपको दिखेंगे मिताली राज जो कि इंडिया टीम के कैप्टन भी है, उनके बाद हरमनप्रीत कौर, वेदा कृष्णमूर्ति, दीप्ति शर्मा, तान्या भाटिया। दोस्तों यहाँ लगता है मुझे शिखा पांडे कंफर्म खेलने वाली है, 95% मुझे लगता है शिखा पांडे खेलने वाली है, बट 5% चांस दोस्तों मानसी जोशी को भी बंद, इसलिए मैं चाहूँगा कि अब शिखा पांडे के साथ ही जाए। उनके बाद झूलन गोस्वामी, एकता बिष्ट या फिर राजेश्वरी गायकाड में दोस्तों को ये खेलने वाली है, उनके बाद पूनम यादव। दोस्तों ये रहा हमारे इंडिया टीम का प्रोबेबल प्लेइंग 11। चलिए बात करते हैं श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका की तरफ से आपको ओपनिंग का तो दी जाएंगे हसीनी परेरा, उनके साथ निपुण हंसिका, फर्स्ट रन आपको देखेंगे चमारा टपट्टू, उनके बाद शशिकला श्रीवर्धन, ए संजीवानी, दिलानी मंदोदरा, एन डी सिल्वा, सुगंधिका कुमारी, अम्मा एम्मा कंचना, इनोका रनवीरा, श्रीपल्ली वीराकोडी। दोस्तों इंडिया टीम के दोस्तों सब प्लेयर को आप लोग पहचानते होंगे, बट बात करें तो इसमें कुछ की प्लेयर के दोस्तों यहाँ से हसीनी परेरा, निपुण हंसिका, चमारी टपट्टू, शशिकला श्रीवर्धन, दोस्तों चार इनके टॉप ऑर्डर के बेस्ट बैट्समैन है। उनके बाद इनका विकेट कीपर बैट्समैन दोस्तों दिलानी मंदोदरा, उसके बाद यहाँ सुगंधिका कुमारी एक बहुत ही बढ़िया इनके टीम के स्पिनर है दोस्तों, उनके बाद एम्मा कंचना, इनोका रनवीरा, ये रहा दोस्तों इनका की प्लेयर और काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है दोस्तों ये लोग, अब इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्लेयर अपने पिक करने का कोशिश करना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब ड्रीम 11। दोस्तों विकेट कीपिंग सेशन में आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ से, दिनारी मंदोदरा यहाँ और तान्या भाटिया, दोस्तों दोनों ऑप्शन बेहतरीन है, बट आपको उसमें तो क्रेडिट का आपको दोस्तों प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप चाहे तो यहाँ से आप दिनाली मंदोरा को ले सकते हैं, बट मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप तान्या भाटिया के साथ जाए दोस्तों, ये ऑप्शन भी है और एक अच्छा कम क्रेडिट में भी दोस्तों हमें मिल जा रहे हैं। उनके बाद चलिए बार के लिए दोस्तों बैटिंग सेशन की, तो बैटिंग सेशन में मुझे सबसे बड़े प्लेयर जो इंडिया टीम के हैं उन्हें मिताली राज को छोड़ना पड़ा है दोस्तों, अगर आप मिताली राज को पिक करना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ से आपको चमारिया टपट्टू को छोड़कर और यहाँ से दोस्तों मिताली राज को आपको पिक करना, आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा दोस्तों, आप चाहे तो इस तरह से टीम के साथ जा सकते हैं, आपको यहाँ से मिताली राज और हरमन स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, वेदा कृष्णमूर्ति, निपुण हंसिका, ये रहेंगे दोस्तों आपको कुछ सेफ प्लेयर। वहीं आपको दोस्तों बात कर लीजिए यहाँ से कुछ सेफ प्लेयर के बारे में, तो पूनम रावत को आप पिक कर सकते हैं, हसनी परेरा को आप पिक कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से, अनुष्का संजीवानी को दोस्तों पिक कर सकते हैं, इमेला का मेंडिस हमारे रिस्की रहने वाले हैं दोस्तों, जमीमा रोड्रिगेज भी हमारे लिए रिस्की रहने वाले हैं दोस्तों, आप चाहे तो यहाँ से इस तरह से मिताली राज को पिक कर सकते हैं, बट दोस्तों मुझे लगा कि मिताली राज को मुझे छोड़कर यहाँ से चमारी अट्टा पट्टू को पिक करना चाहिए, इसलिए मैं चमारी अट्टा पट्टू के साथ जा रहा हूँ और उनके साथ शशिकला श्रीवर्धन, दीप्ति शर्मा और शिखा पांडे, ये कुछ आपके लिए की प्लेयर है दोस्तों, और निलक्षणा दे सिल्वा, ये दोस्तों रहे आपके प्लेयर, बट आप चाहे तो यहाँ से आप चमारी अट्टा पट्टू को हटा के यहाँ से स्मृति मंधाना को पिक कर ले दोस्तों, और इस तरह से आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं दोस्तों, आप चाहे तो इसी तरह के टीम के साथ आप जा सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि यहाँ से मैं चमारी अट्टा पट्टू के साथ जाऊँ। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलिंग सेशन की, तो बॉलिंग सेशन में आपके लिए दो तीन प्लेयर बेस्ट रहने वाली है, पूनम यादव, विनोका रनवीरा, और यहाँ से दोस्तों मैं एक सुगंधिका कुमारी के साथ जा रहा हूँ जो कि काफ़ी अच्छा बॉलर दोस्तों, इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो पिछला मैच हुआ था उसमें काफ़ी अच्छा दोस्तों इन्होंने बॉलिंग कराई थी, और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा प्लेयर है दोस्तों, मैं कैप्टन जाऊँगा दोस्तों यहाँ से, स्मृति मंधाना वाइस कैप्टन जाऊँगा दोस्तों यहाँ से मैं चमारी अट्टा पट्टू के साथ, ये मेरा रहा दोस्तों वाइस कैप्टन। मैं आपको इन दोनों में से सेफ प्लेयर बता दूँ दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, तो सबसे सेफ इन दोनों के बाद रहने वाला आपका दोस्तों यहाँ से दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, और अगर आप बॉलर में बनाना चाहते हैं तो यहाँ से पूनम यादव को बना सकते हैं, ये रहा आपका दोस्तों कुछ सेफ प्लेयर। आपको दोस्तों अगर चाहे यहाँ से तो चमारी अट्टा पट्टू को हटा के दोस्तों यहाँ मिताली राज को अपने टीम में पिक करके कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों जरूर बना देना, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है दोस्तों, ये रहा हमारा ड्रीम इलेवन टीम। अगर आपको ये टीम पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना दोस्तों, सॉरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, धन्यवाद।